हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइस। एंड मैंने दो दिन से व्लॉग भी नहीं बनाया बिकॉज माय बेबी वाज नॉट इन द मूड टू एक्चुअली लीव मी एट ऑल, तो मैं एडिट नहीं कर पाई। बट एनीवे, दिस इज न्यू मॉम्स लाइफ एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। एंड टॉकिंग अबाउट द वेट लॉस, मेरा मैंने टिल नाउ आई हैव लॉस्ट अराउंड 700 ग्राम्स एंड अभी मेरा दो दिन से वेट स्टक है। एंड बट इट्स ओके, इट हैपन्स। तो मुझे अब थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा अपनी डाइट के अंदर, जिसके बाद मेरा वेट जो है विल स्टार्ट मूविंग अगेन। सो टिल नाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट। एंड अगर आप इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्किन, इट इज़ डेफिनेटली गेटिंग बेटर। जो एक्ने थे फ्लेयर्ड आउट, वो थोड़े सेटल हो रहे हैं। एक्ने मार्क्स विल टेक सम टाइम टू गो, बट ऑलमोस्ट पिम्पल्स जो है वो डेड स्टेट में जाने वाले हो गए हैं। तो या दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट। एंड बारिश की बात करूँ तो दो दिन से परसों रात से कॉन्टीन्यूसली बारिश हो रही है, एक मिनट के लिए नहीं रुकी है। बहुत बारिश हो रही है एंड इतनी ठंडी हो गई है कि मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ठंड हो गई है। जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर बारिश का रुकने का कोई आसार नहीं है। एंड आई थिंक आज की भी प्रेडिक्शन यही है कि आज भी बारिश नहीं रुकेगी। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, विच इज़ अ लिटिल ब्लै, बट इट्स फाइन, गॉड की जो भी मर्जी हो। तो या दैट इज़ द स्टेट, आई विल कैच यू इन अ बिट। मैं ब्रेकफास्ट करके आप लोगों से मिलती हूँ। सो हाई अगेन, अभी दोपहर का वक्त है बट बहुत बारिश हुई है एंड आई जस्ट हैड माई बाथ। बालों का भी, प्रेगनेंसी में मेरे बहुत ख़राब हो गए बाल भी। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ वीमेन आर ब्लेस्ड विद गुड स्किन एंड गुड हेयर एंड एवरीथिंग फैंटास्टिक इन प्रेगनेंसी, बट फॉर मी प्रेगनेंसी वॉज रियली डिफिकल्ट। इट टुक अ टोल ऑन माई फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। मेरी ऑलमोस्ट स्किन, बाल सब स्पॉयल हो गए काफ़ी। एंड या बट रिकवरिंग एंड आई होप जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। एंड मेरे बाल काफ़ी डैमेज हो गए। आई हैव ट्राइड अ न्यू शैम्पू टुडे, बियर शैम्पू। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ इट। मैंने बहुत पहले सुना था कि वो काफ़ी बालों को सिल्की कर देता है, तो आई हैव ट्राइड इट टुडे। मुझे लगा था उसमें अल्कोहल की स्मेल वगैरह होगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। लेट्स सी, अभी सॉफ्ट लग रहे हैं बाल, बट क्या रिजल्ट रहता है, आई डेफिनेटली शेयर इट विद यू गाइस। तो ये अभी स्टेटस है मेरे बालों का। बच्चे को मैंने अपने फीड कर दिया है, नाउ शी इज़ स्लीपिंग पीसफुली। बट मौसम काफ़ी अच्छा है, चाय पकौड़े वाला मौसम है, बट बारिश काफ़ी हो रही थी। पापा को कुछ काम था, पापा बाहर गए थे तब बारिश नहीं हो रही थी। एंड जब पापा आए, पापा वॉज ऑल वेट एंड पूरे गीले हो गए थे। तो बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी उस टाइम पे। अभी लेट्स सी बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, देखते हैं। अभी वैसे बारिश रुकी हुई है बट बहुत बारिश हुई थी। वैसे आपको वहाँ पे पहाड़ दिख रहे होंगे एंड वन थिंग आई लव अबाउट माउंटेन्स इज कि जब बारिश होती है ना, सब इतना ब्यूटीफुल ग्रीन हो जाता है ना, एंड ऐसा लगता है कि सब धुल के साफ हो गया है। इतना सुंदर लग रहा है। यही एक चीज़ है जो मैं शिमला की सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ, ग्रीनरी। जब वहाँ बारिश होती थी, वहाँ पानी कभी खड़ा नहीं होता था, बल्कि और ज़्यादा सुंदर लगने लगता था जैसे ही बारिश होकर हटती थी। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाती थी, एवरीथिंग यूज़ टू लुक रियली ब्राइट। एंड थोड़ी थोड़ी सी ना फॉग नीचे से आनी शुरू हो जाती थी पहाड़ों के, एंड हम तो ऊपर होते थे एंड ये जो फॉग होती थी वो नीचे होती थी, तो काफ़ी सुंदर लगता था। इट्स रियली अ प्रिटी प्लेस। अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो टूरिस्ट कैन नेवर इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ शिमला लाइक वी डिड। बट एनीवे, अभी भी बादल गरज रहे हैं, थोड़ी देर में इट सीम्स फिर से बारिश आएगी। तो या यही चलेगा अब रेनी सीजन में। लुक एट द वेदर, और ये राम माइलो राम घूमते हुए अपने टॉय के साथ, ऐसे चीथड़े उड़ाए हैं इसने। तो मौसम ठीक है, अच्छा है एंड घूमने लायक भी है, मज़ा आ रहा है। हो जाना,
अब तो कर लिया उसने कार्ड, अब क्या रो कर रहे हो। माइलो ज्यादा मस्त था तू। अभी माइलो ना लेट के उल्टा गीले में खेल रहा था, ये ऐसे ही करता है, अपने आप खेलना होता है ना इसको, जब इसको खेलने को नहीं मिलता ये उल्टा लेट जाता है। और तो अभी पापा ने इसको डांटा क्योंकि सारा गंदा हो जाएगा, पुट्ठा होके वो कर रहा था। मम्मी छाता लेकर आए है तो ये डर गया और डर के बैठ गया, इसको बहुत डर लगता है छाते से। आए मेरा बच्चा छाते से डरता है। आए नी अब नीचे चला गया इसने, छाता इसलिए लेकर आए हैं बिकॉज थोड़ी सी तुपका तुपका बारिश हो रही है, बेबी को थोड़ा सा वॉक करवाना भी ज़रूरी है ताकि वो उसकी थोड़ा सा उसको एक्सपोजर मिले, थोड़ा अच्छा फील हो, फ्रेश एयर मिले, इसीलिए छाता लेकर आए हैं ताकि उसको मतलब कुछ ठंडी वंडी ना लगे या कुछ मतलब उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जुकाम वगैरह ना हो जाए बिकॉज बेबीज़ आर रियली सेंसिटिव। बट घुमाना भी ज़रूरी था और इतनी बारिश नहीं हो रही थी तो हम अम्ब्रेला के साथ उसको घुमा ले। बट माइलो इज़ रियली स्केयर्ड ऑफ अम्ब्रेला। यहाँ बैठे हैं पापा और वो मेरा बेबी डर के इसके नीचे बैठा। किसके नीचे बैठा है भी बोलो? चेयर के नीचे बैठा है। माइलू कू डरता है भाई, बेबी कू डरता है तू। वहां देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं पहाड़, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ट्रांजिशन दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए बिल्कुल ब्लैक क्लाउड्स हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई दिस व्लॉग। आई होप, आई डोंट नो कितना बना है आज का व्लॉग, छोटा ही होगा आई थिंक, बट जितना भी है आई शेयर इट विद यू गाइज। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई दिस व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। Oh, oh, oh.